As a independent candidate, I got a very good response in this Bamanwado because I have done my campaign as a Congress candidate. Now people are fed up of Congress party, especially they got no mandate. Why I am saying they got no mandate? Because Congress party has given an imported candidate from other constituency. These people don't want a remote control, someone to control this constituency, especially surely from Kalangut. So people are against the mandate of the Congress party. Or as Congress Paksh ki halat aisi hai ki wo log ko shapat leni pad rahi hai. शपथ लेनी पड़ रही है कि हम इधर से उधर नहीं होंगे, ये शर्म की बात है। वो शपथ लेने से पहले उन्होंने जनता की माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि उन्हें वो लोगों ने ये शिवली में जो प्रचार शुरू किया वो झूठ बोल के शुरू किया। इसलिए झूठ बोल रहा हूँ मैं, झूठ इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक से नाम जाएगा, लेकिन उस उन्होंने हमारे शिवली में ये जो मतदार है, ये जो कार्यकर्ता है, ये जो लीडर है, उनका विश्वासघात किया है और ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी को शिवली में। इसीलिए वो लोग इंडिपेंडेंट दत्ताराम को अच्छी तरह से समझते हैं, पहचानते हैं, मेरा सोशल वर्क जानते हैं, इसलिए मेरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज हर घर घर भर घर में मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। आई एम स्पेंडिंग माई 5 to 10 मिनट टू गिव द क्लेरिफिकेशन व्हाट आई एम, व्हाट कैन आई, व्हाट इज़ माई विजन। This is the view of the people in Cholim constituency. Justice in your hand, ये slogan क्या है? आपका slogan हाँ, इसके पीछे क्या है? ये justice in your hand, आखिर मतदार ही तय करेंगे किसी को मतदान करना है। वो लोगों ने विश्वासघात किया है। कांग्रेस पार्टी ने 10 साल से, इससे पहले 5 साल में 2017 का इलेक्शन हुआ था, तभी उसने ये सिंबॉलिक गायब कर दिया था, नारियल दिया था। वो आज नारियल मेरे को लगता है पक के फूट गया, लेकिन अभी इम्पोर्टेड कैंडिडेट दिया तो हमारा शिवली का विश्वासघात किया है। लगातार 10 साल से विश्वासघात कर रही है कांग्रेस पार्टी और हमारा शिवली का वासी है, शिवली वासी है, कभी ये माफ नहीं करेंगे पार्टी को, ये हम बोल सकते हैं। कैसे देखते हैं आप अपने प्रत्याशी के बारे में? मेरे को सबको अच्छा देख रहा है, लोगों के बारे में सब लोग आके बात कर रहा है, कोई बोलता है अच्छा किया तुमने इंडिपेंडेंट रुक के दूसरी पार्टी का टिकट नहीं लिया और लोगों अभी चालू है अच्छा दिन। दत्ताराम के बारे में कैसे जानते, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे उनके साथ हैं? उसको भाई बहुत पहले से जानता था, उसका काम था पहले टेलरिंग का, उसके से जानता था। 10-15 साल उसने काम किया, उसका सेवक काम किया, उसको लोगों के पास मशीन लिया, उसको एग्रीकल्चर खेत ये किया, मेडिसिन दिया, बहुत कुछ दिया उसने लोगों को। मैं मेरे कैंडिडेट को ऐसे देखती हूँ कि जो गोर गरीब जनता का ना सुख दुख जाने, ऐसा नेता हम लोगों को चाहिए। अभी तक देखो, इतना मेरे 18 साल हुए शादी को, अभी तक किसी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मैं मेरे बारे में बताऊँ, मेरे वार्ड में जितनी महिलाएं होते, पहली बार दत्ताराम पेड़नेकर हमारे उधर वार्ड में आए, वो बोला भाभी तुमने अच्छा किया, पहले बार हमारा कोई सुख दुख जानने वाला आया। कल लॉकडाउन में भी पूरे लोगों का, वो बाहर का भी लोग नहीं देखा, गोवा का भी लोग नहीं देखा, सबको उसने मदद की। इसलिए मेरे को दत्ताराम पेड़नेकर जैसा ही नेता चाहिए गोवा का। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।